एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है आदरणीय सभापति जी मुझे विश्वास है ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान पेंशनर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन कर रहे नायक अशोक राउत को दो-दो बार आश्वासन दे चुके हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर तरह तरह की बात की जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं देखिए ताजा रिपोर्ट ईपीएस पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर सरकार का पेंशनर्स को शानदार सौगात अगर आपकी उम्र अट्ठावन साल से अधिक है तो आपको ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा सरकार का कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान अब मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के साथ हायर पेंशन का लाभ मिलेगा देखिए रिपोर्ट नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम ईपीएस फाइव पैंसठ लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी होगी इस दिन सरकार का पेंशन पर एकदम नया प्लान जारी हो चुका है तो क्या सरकार ने नया प्लान जारी किया है जिसके अनुसार आपकी जो पेंशन है मिनिमम एक हजार रूपए की वो कब बढ़ने वाली है न्यूनतम पेंशन सात हजार पांच सौ रुपए कब होगी साथ में आपको अन्य कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी तो आज दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबर जानेंगे वीडियो में ईपीएस से उनके लिए काम की खबर होने वाली है उनकी मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी

तो उसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है कि फाइनली तारीख भी सरकार ने जारी कर दी है और फाइनली मोदी सरकार का भी पेंशन को लेकर भयंकर ऐलान जारी हुआ है और ईपीएस नाइनटी फाइव पेंशन धारक है उनके लिए सरकार है एक बार उन पर मरबान हो चुकी है तो पांच मार्च को पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा मोदी सरकार का लाइव ऐलान बताया जा रहा है कि चार सूत्रीय मांगे जो पेंशनर्स की चार मांगे वो पूरी हो गई इस तरह की मंजूरी मिली है इस तरह की अपडेट आ रही है यानी कि यह फैसला अगर देखा जाए आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर 2014 के बाद पहला बदलाव होने वाला है अगर यह बदलाव होता है तो लेकिन यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बताई जा रही है कि आपकी पेंशन में बदलाव होने वाले लेकिन इसकी कोई कंफर्म स्पष्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है लेकिन सरकार से स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है तो इस तरह का यानी कि लाइव घोषणा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर यह फैसला कर दिया है जिसके अनुसार कैबिनेट की बैठक हुई जिसके अंदर आपकी पेंशन को लेकर यह फैसला लिया गया है यानी कि 2014 के बाद ये पेंशन को लेकर पहला बड़ा बदलाव होने वाला है 2014 के अंदर आपकी पेंशन एक हजार रुपए की मिनिमम लागू की गई थी और साथ ही पंद्रह हजार रुपए का सेटलमेंट और अधिकतम पेंशन सात हजार पांच सौ रुपए उसके बाद ये पहला बड़ा बदलाव होने वाला है अगर इस तरह बदलाव होता है तो तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है पेंशनर्स के लिए चार बड़ी घोषणाएं कौन सी हुई है जो चार बड़ी घोषणाओं के अनुसार देखा जाए तो प्रमुख आपकी मांग थी कि ईपीएस फाइव पेंशनर्स को पेंशन मिले जो अधिकतम यानी कि उनकी मांग थी कि वर्तमान में जो देखा जाए तो एक हजार रुपये की पेंशन को यानी कि बढ़ाया जाए और अधिकतम पहले जो आपको सात हजार पांच सौ रुपए पेंशन मिलती थी अब वो न्यूनतम पेंशन पेंशन धारकों को सात हजार पांच सौ रुपये दी जाए तो वैसे में अगर देखा जाए तो आपकी पेंशन को लेकर तीन यानी कि चरणों के अंदर बढ़ोतरी होने वाली इस तरह की जानकारी बताई जा रही है ऐसे खबर को देखते हैं और आगे इसकी जो कंप्लीट क्या विस्तार से जानकारी होने वाली क्या ऐसे खबर की सच्चाई होने वाली वो भी आपको दिखाएंगे लेकिन अपडेट को पहले जानते हैं जैसा कि आपकी पेंशन है जो तीन चरणों के अंदर इस तरह बढ़ेगी कि जैसा कि पांच हजार रुपए की पेंशन है दस लाख पेंशनर्स को मिलेगी अगर बात करें सात हजार पांच सौ रुपए की पेंशन पैंतीस लाखी फाइव पेंशन धारक है उनको मिलने वाली और नौ हजार रुपए की पेंशन है जो बीस लाख पेंशन मिलेगी तो यहाँ पर आपको बता दें आपकी एज यहाँ पर निर्भर करेगी जैसा कि पांच हजार रुपए की पेंशन के लिए आपको अठावन साल की एज कंप्लीट करनी होगी और जैसा कि सात हजार पांच सौ रुपए की पेंशन के लिए आपकी एज पैंसठ वर्ष से अधिक होनी चाहिए और बीस लाख जो पेंशन धारक जिनको नौ हजार रुपए की पेंशन मिलेगी उनकी एज है जो की आपकी अस्सी वर्ष से अधिक होनी चाहिए इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि सरकार ने ऐलान किया है लेकिन आपको बता दें ऐसा कोई भी सरकार से आधिकारिक ऐलान जारी नहीं हुआ है कि आपकी पेंशन तीन चरणों के अंदर बढ़ेगी और पांच मार्च को ही बढ़ेगी तो यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी मिली है लेकिन पेंशनर्स का संघर्ष अभी तक जारी है उनको पूर्ण रूप से अभी तक सफलता नहीं मिली है तो सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने लिखा कमांडर अशोक अशोक राउत को विश्वास दिलाया है कि भारत सरकार ने विश्वास दिया की नब्बे दिनों के भीतरी यानी कि जो पेंशनर्स है न्यूनतम उनकी बड़ी भी पेंशन जो पेंशनर्स के लिए लागू की जाएगी तो ईपीएस नाइनटी फाइव न्यूनतम पेंशन की आस भी बरकरार रखी गई है पेंशनर्स उम्मीद है जो अब छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही यानी कि धारक अपनी उम्मीद नहीं छोड़े और उम्मीद है कि एक हजार रुपए की पेंशन जो बढ़कर सात हजार पांच सौ सरकार कर देगी अब देखना यह होगा कि सरकार ये फैसला कब लेती है या फिर नहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसी जानकारी बताई जा रही कि पेंशन आपकी अब इस हिसाब से इतने दिनों में बढ़ने वाली है लेकिन इसकी आखिरी सच्चाई क्या होने वाली है सोशल मीडिया पर अब लिखा चंद दिनों के बाद ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है यह खबर भी आपको मिलने वाली है जिसके बाद शीतकाल संसद की सत्रवी लोकसभा का अवसर भी हो चुका है किंतु भारत के जो यानी कि जो ईपीएस के अठोतर लाख जो सेवानिवृत्ति वर्तमान में पेंशनधारक है ईपीएस के बुजुर्ग पेंशनधारक है उनके न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का जो निर्धारण का समय अब तक भी समाधान नहीं हो पाया तो ये उनकी मांग कब पूरी होगी इसको लेकर जो पेंशन धारक है वो सरकार से मांग कर रहे हैं तो यह सच है कि कमांडर अशोक रावत ने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी तो बनाया है प्रधानमंत्री पर भी विश्वास किया जा सकता है इस हालात में भी दिल्ली में हजारों जो पेंशनर से आंदोलन कर रहे हैं उनका नारा बुलंद करते हुए दिखाई देता है कि उनकी यही मांग है कि सरकार पेंशन की बढ़ोतरी करे और उनके साथ ही उनका यह भी नारा है कि यह अंदर की बात है कि मोदी सरकार हमारे साथ है तो इस तरह के आंदोलन के यानी कि अंदर नारे के साथ पेंशन धारा के सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपकी मांग को पूर्ण रूप से शांति नहीं मिली अधिकारी कोई भी ऐसी सरकार से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर घोषणा नहीं की गई है कमंडर अशोक साहब को विश्वास है कि भारत की सरकार ने विश्वास दिलाया है मोदी सरकार ने तो फिर नब्बे दिनों के भीतर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बड़ी भी लागू कर दी जाएगी एनएससी के प्रतिनिधियों को शीर्ष समस्या के समाधान के लिए टॉप लेवल कमेटी की सहभागिता का भी न्यौता दिया है पेंशनर्स ने लिखा है कि सीबीटी में क्या निर्णय हुआ अनेक साथियों ने जिज्ञासा की है और सीबीटी के वर्धान तो हमारे श्रम मंत्री जी समय हैं और अगर मंत्रिमंडल विशेष जो प्रधानमंत्री हमारे हित में फैसला लेना चाहते हैं तो आखिर नौकर सा कितना देर इसमें यानी कि अड़ंगा लगा सकते हैं यानी कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अगर सरकार चाहती है कि पेंशन में मोदी सरकार बढ़ोतरी करे तो वैसे में कोई भी रोकने वाला नहीं तो एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि कमेटी एनएससी के नेतृत्व से हजार पांच प्लस डी लागू करने के लिए दो चार सुझाव के लिए तरीका खोजने में लगी है जिससे कि अमली जमा बनाया जाए यदि सात रुपए रुपये की न्यूनतम पेंशन हो जाए तो वैसे में एक हजार रुपये पर छह रुपए की बढ़ोतरी हुई और वैसे कि इसमें जितनी रकम भी अभी पेंशन दिया जाता है तो सबके पेंशन में छह रुपए अधिक जोड़ देने से उनकी पेंशन की रकम तय हो सकती है उस पर ये जो बनता है वो भी दिया जाए तो इंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि जो भी कमांडर असोदगी रावत नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं जिन्होंने स्वयं पर्याप्त पेंशन मिलती है उन्हें तो हमारे पेंशन फार्मूला से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलना है हमारे नायक को मोदी जी पर पूरा भरोसा है उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है जैसा की ट्रेड यूनियन नेताओं पर यानी में पाया जाता है तो इसलिए यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है जो कि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थ से ग्रसित नहीं है फिर भी यदि सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं करती है तो संघर्ष के लिए द्वार खुले रहेंगे सी डब्बल्यू सी कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी तथा उसके अनुसार मतदान में भी भाग लेगी तो इस तरह की आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर जानकारी बताई जा रही है अब जानते हैं आपकी ओपीएस को लेकर भी बड़ी खबर देखने को मिली है तो ओपीएस के अंदर आपको कैसे मिलेगी यानी कि पेंशन चालीस से पचास फीसदी पेंशन जो आपकी मांग की ओपीएस जैसा एनपीएस में फायदा मिले या फिर ओपीएस पर से बाल किया जाए या फिर सरकार एनपीएस में संशोधन करे तो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में होगा यह बड़ा बदलाव अंतिम से, से पैंतालीस फीसदी मिलेगी आपको पेंशन अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी काम की खबर होने वाली है सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग तेज होती जा रही सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना ओपीएस की बहाली को लेकर नहीं लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह बात कही थी कि केंद्र सरकार ने कहा कि एक जनवरी जो दो का

रिकॉर्ड यानी कि जो आंकड़े प्राप्त होंगे होंगे तो फिलहाल यह लंबित नहीं सौ रिव्यू करने के बाद लेकिन उम्मीद की जा रही कि आपकी पेंशन एनपीएस में कम से कम 40 से 45 फीसदी पेंशन मिले इसकी सिफारिश हाई लेवल ने भी की थी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है यानी कि आपकी एनपीएस संशोधन को लेकर फिलहाल विचार किया जा रहा है एनपीएस में किस आधार पर यानी कि बदलाव किया जाए जिसके अनुसार पेंशनर्स को पेंशन कितनी मिलेगी और जो देश की अर्थव्यवस्था उसको क्या कि नुकसान होगा तो इस तमाम इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जाएगा और पेंशनर्स की मांग को भी पूरा किया जाएगा देश की अर्थव्यवस्था को बिना नुकसान जाए तो इस रास्ते को लेकर सरकार फिलहाल विचार कर रही है कोई भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि एनपीएस में संशोधन होगा या फिर आपकी ओपीएस बहाल होगी तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज नंबर की आप सभी पेंशनर्स के लिए जानकारी होने वाली है ऐसी और भी नई पेंशन जुड़ी ताजा जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा